Hi here. Hi. Yeah. I just want to add on to the person who said about the train ticket. So it's more like, you know, अगर आप रिटर्न टिकट खरीदते हो तो नेक्स्ट डे के लिए रिटर्न के लिए चलता है, बट इफ यू बाय द सेम टिकट ऑन सैटरडे इट इज वैलिड टिल द मंडे फॉर द रिटर्न जर्नी. यू गेट टू डेज एक्चुअली. सारा यू विल सेव 15 रुपीस. हां आई लाइक इट. संडे को सारे मीटिंग, सैटरडे को टिकट ले लो. आज टुडे वी आर जुगाड़ प्रो सेंट्रल. ओके द नेक्स्ट वन इज हमारा टूथपेस्ट खत्म होने की कगार पे जब होता है, व्हेनेवर इट्स एंडिंग, हम उसे खत्म नहीं होने देते. वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम वो टूथपेस्ट को खत्म नहीं होने देते, लेकिन हम कौन से तरीके से खत्म नहीं होने देते वो जानना चाहते हैं. जैसे मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज बेलन के साथ करती हैं, आपके क्या तरीके? मैम्स रेजिंग हैंड. यस, सो क्यूट, यू आर वेयरिंग दैट कैप, यू आर लुकिंग सो क्यूट मैम, प्लीज गिव हर द माइक. आई डू इट विद बेलन. बेलन से? अदरवाइज आई कट इट इन द मिडल. हां, कट इन द मिडल, कटिंग वाला काम किया हुआ है हमने भी. बेलन से तो होता ही है, उसके बाद कट करती हूं. सर आप एक माइक वहीं रख लो. आपके बहुत गोल्डन कमेंट्स आ रहे हैं. थैंक यू मैम, थैंक यू. यस यस. You were going to say the same thing? Yes. Would you like to share toothpaste खत्म होते होते क्या क्या तरीके हैं बचाने के? Actually toothpaste का ऐसा है ना, बाकी कुछ चीजों के लिए इंसान इतनी कंजूसी नहीं करता, लेकिन toothpaste को छोड़ता ही नहीं है. और वो बाथरूम में पता चलता है आप में स्ट्रेंथ कितनी है. उसको दबाते 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 लास्ट चिपक करके आएगा, तब जाके हाँ कुछ. सर वो toothpaste ना ब्लेड बन जाती है एकदम. Okay, the next question, जाने से पहले, the prize goes to her, is it? Ma'am, yes, yes, please. Could you please hand over prize to her? And also, हमारा जो पिछला सवाल था hotel stays का, उसका prize? दे दिया. We have the next question. हम जब छोटे थे तो शगन मिलता था हम सबको. और जब भी शगन के लिए कुछ कुछ करना पड़ता था तो what क्या क्या किया हुआ है शगन पाने के लिए? Sir, add on to that. Who's saying? हाँ सर. शगुन तो मिलता है, बट शगुन अगर नहीं मिलता है तो वो एक अंदर से एक अलग लालच आती है ना कि यार भाई को मिला हमको नहीं मिला. तो सबसे बेस्ट होता है उनके सामने बस ऐसे जाके देखते रहो. वो तो सबको बांट रहे ना, हमको नहीं मिला, बस उनको देखते रहो, गारंटी आपको जरूर मिलेगा. हम जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गाँव जाता था ना पंजाब, तो वहाँ पे सारे मेरे रिश्तेदार वही हैं, मासियाँ मामियाँ, तो उनका तो मतलब वो पंजाबियों में शगन देना इज अ वो एक अलग वॉर है. वो जो लड़ते हैं सारे, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, ले लो ये वो, जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं. और बच्चे उसमें फिस जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा को जताना है कि नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए. और मासी को दिनों तक थोड़ा दे दो. तो वो शगुन के पर पता है वो जो 10 रुपए भी होते थे ना, उसकी वैल्यू ही अलग होती थी. कि वो जो शगुन के 10 रुपए मिले ना, कि यार तू चल मिठाई खा लेना, तू ये खा लेना, फिर उसकी टेनिस बॉल लेके क्रिकेट खेलो या कुछ, वो शगुन के पैसों की वैल्यू ही कुछ और होती थी. आज भी याद रहते हैं. मेरे साथ शगुन वाला नहीं, बड़े किस्सा हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ. तो मैं छोटा था, छोटा मतलब छोटा, तो पंडरपुर गया था मेरे दादी और बाबा के साथ. पंडरपुर, हाँ. और पंडरपुर में एक जगह है जहाँ पे आप नीचे गरीब लोग खड़े रहते हैं और आप ऊपर से उनको दान करते हो, पैसे डालते हो. तो मेरे बाबा ने मुझे इतनी ऐसी चिल्लर दी, मैं भी परेशान कि एक गरीब दूसरे गरीब को क्या ही दान देगा. तो बट दी थी, और मैंने शॉर्ट्स हाफ चड्डी पहनी थी स्कूल वाली खाकी, मैंने उसमें अंदर डाल दिए. मैंने एक दो कॉइन डाल दिए, मैंने कहा इनको देख के क्या फ़ायदा, मैं भी तो गरीब हूँ. तो मैंने रख दिए. पंडरपुर की यात्रा ख़त्म हुई, हम एसटी में पंडरपुर से मुंबई आए. अच्छा, मुझे मोशन सिकनेस था, मतलब एसटी में मैं तो इतनी उल्टियाँ करता था कि मेरे बाजू में कोई बैठता नहीं था. तो फिर भी इतनी उल्टियां हो रही थी, लेकिन मेरा हाथ वो चिल्लर के ऊपर से नहीं गया, मतलब कहीं गिर ना जाए. एंड उन बिल्ली, हम बॉम्बे आए, 8 बजे का टाइम था, शिवाजी पार्क के चौल में रहते थे. मैं घर में अंदर घुसा ही नहीं, पहले दुकान के ऊपर चॉकलेट लेने को, और वहां पे चॉकलेट ये लो, ये दो गोली, और पैसे निकाले, बोला अरे बंद हो गए. तो वो 1 पैसे 2 पैसे थे जो बंद हो चुके थे. पापा भी स्मार्ट थे, जो मुझे दान करने के लिए दिए थे, जो मैं संभाल के लेके आया था, जो मैं परेशान भी था कि मेरे बाबा ने इतने पैसे मुझे कैसे दिए. और तब जाके पता चला ये पैसे बंद हो चुके हैं,
मैं और एक दो दुकानों पे गया, किसी ने हड़काया लिटरली, बंद हो चुका है, हट जा। और समझ में नहीं आ रहा था, फिर वो पैसे घर पे दिखाऊं कहीं फेंक दूं क्या करूं, तो ऐसे। Fantastic, thank you so much for sharing. और हमारे इस yes ma'am, can you please pass the mic to ma'am? इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, लेकिन ये गेम के लिए नहीं है। आप मैं किसी भी अगर मैरिज में जाती हूँ तो मेरा ध्यान रहता है कि कहाँ कौन कौन जूठा फेंक रहा है। मैं उनको जाकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे थैली में अगर ये भर के दे दें, और आप कभी भी जहाँ शादी वादी की जगह रहती है वहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको भगाया जाता है कि इधर से जाओ जाओ जाओ, तो अगर आप बाहर जाकर वो चीज खिलाएं तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन होगा क्योंकि वो लोग बहुत प्यार से खाते हैं। क्या बात, बहुत बड़ी बात। बोनस प्राइज, बोनस प्राइज, बोनस प्राइज के लिए नहीं है तो पर ये जो आखिरी सवाल था उसका, कैन वी हैंड ओवर द प्राइजेस? ओके, इस पिक्चर के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहनी कि सब परिवार सब जाकर इस पिक्चर को देख रहे हैं। प्लीज शेयर अ मेमोरी और अ स्पेशल मोमेंट जो आपने सब परिवार बिताई हो। आपसे भी जानना चाहेंगे और मीडिया मेंबर्स आप में से भी जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा एक कंजूसी का किस्सा। तो उस समय होता क्या था कि ब्रांडेड शूज लेने की तो हालत नहीं थी, तो फर्स्ट कॉपी आती थी रिबॉक और नाइकी की। और अगर आप में से सबको पता होगा, मुझे पता है, चोर बाजार में सुबह 4 बजे बाजार लगता है ना, अंधेरे में जाके डेढ़ गली, करेक्ट, तो दादर से ट्रेन पकड़ के, अरे लव यू, हाँ तभी तो फिल्में कनेक्ट हो रही है। अगर मैं मई नहीं रहूंगा तो क्या घंटा बनाऊंगा। तो मैं गया सर, सुबह 4:30 बजे की पहली ट्रेन होती है दादर से, मैं गया वहां पे, तो सुबह 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 यहाँ पे इतने बड़े बड़े ढेले होते हैं ना शूज के, आपको निकालने होते हैं पसंद पसंद। पहली बात तो ऐसे सामने देख के नाइकी रिबॉक मैंने 2 निकाले, पहन के देखे टकाटक, बहुत सस्ते में, बैग में डाल के घर पे लेके आया, ऐसा लगा कि जन्नत हो गई आज तो। घर पे आप पता चला एक रिबॉक का था एक नाइकी का था। अभी वो लोग वापस लेते नहीं, लेते क्या खड़ा नहीं करते, तो फिर पहन ही नहीं पाया वो। सच में अभी तो फैशन एक रहा है। हाँ, अभी तो कुछ भी फैशन है। ओके, हमारे जो सब परिवार मोमेंट है वो हम जानना चाहते हैं कि आपने सब परिवार कौन सी ऐसी स्पेशल मेमोरी है या कौन सा ऐसा पल है जो सेलिब्रेट किया जो आप शेयर करना चाहेंगे। हेलो, हाय अरुण। अरे अरुण। अब भाई मुझे, अब आप सामने हैं तो आपके बारे में बताता हूँ। पहला इंटरव्यू आपका। मेरे बारे में क्यों बता रहे हैं? सब अपना अपना किस्सा बता रहे हैं, तो अपना किस्सा बता। आपके बारे में बता देता हूँ, आपका पहला इंटरव्यू किया था मसान, जब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वर्सोवा में। हाँ हाँ, सब परिवार ही किए थे। ये ऐसे ही है, बहुत जिगरी है तुम्हारे भाई। ऐसे ही है। एंड ये मैं बताना कि तब से लेके आप आज तक मैं आपको देख रहा हूँ, जरा सा भी आप में चेंजेस नहीं आया। एंड जैसे तब आप थे वैसे ही रहिए, हिट फिल्में करते रहिए, सुपर, बहुत बड़ी बात। थैंक यू अरुण, थैंक यू। यही आपके साथ मेरी बहुत अच्छे से बचे हो आप सवाल से। हेलो। हेलो, हाय पूजा, यू फ्रॉम ऑसम टीवी। सो सह परिवार का एक ऐसा मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकती, एंड बचपन से मूव बफ रही हूँ। तो जब लगान मूवी रिलीज होने जा रही थी तब सारे कजिन्स को बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि कैसे देखें, और घर वाले बिल्कुल नहीं भेजने के लिए रेडी थे, तो सब ने अपने अपने मम्मी डैडी के कबर्ड में से पैसे चुराए थे, और बस से जाकर हमने सबसे पहले थिएटर में, पहली मेरी थिएट्रिकल फिल्म थी जो मैंने देखी थी लगान, तो सह परिवार कजिन्स के साथ जाकर मैंने फिल्म वो देखी थी। Fantastic. Would you like to share any sir परिवार moment जो हम? Actually मुझे जो याद आ रहा है वो था, I think मैं स्कूल में था या कुछ था, तो पहली बार as a family outing ना, हमारे 2-3 ही joints थे जहाँ हम dinner करने जाएंगे या कुछ ना, और जहाँ पे हम रहते थे उसके आसपास ही थे, ये अंकल किचन टाइप, और वहाँ पे
पहली बार ये डिसाइड हुआ कि आज ना 5-star होटल जाएंगे. तो हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं था, बट वो जो पहला एक्सपीरियंस था ना 5-star होटल का, और मम्मी पापा बैठे हुए हैं, और उनका सिर्फ मतलब मुझे मेरी मॉम का रिएक्शन ज्यादा याद है, दाल इतने की है, सब्जी इतने की है, तो और वो ना पूल साइड था रेस्टोरेंट, तो उनको लग रहा था कि सिर्फ ये पूल की वजह से पैसा लगा रहे हो, उसका खाने का उतना पैसा नहीं है जितना ये जो एम्बियंस का पैसा है वगैरह. बट दैट वन मोमेंट ना, जो पहली बार 5-star होटल में हमारी फैमिली ने साथ में डिनर किया था, वो दैट वाज वेरी रियली मेमोरेबल फॉर मी. मैंने 5-star होटल में जूते खाए थे पानी ऑर्डर करने के लिए. मेरे डैड ने तो पानी के पैसे थे का तू नया पैदा हुआ है अंग्रेज, 30 रुपए का पानी. Let's take one. Yes. Sir, come on. आ रहा है कुछ अच्छा. Yes sir, thank you. Sir, सपरिवार जो concept था वो बहुत कम हो गया अभी. मोबाइल है, आप आजू बाजू में बैठ के भी एक दूसरे से लर्न. एक था दौर जहाँ हम सर्कस देखने सपरिवार जाते थे. तो सर्कस का दौर निकल गया है और अभी पता नहीं वो दौर फिर आएगा, लेकिन इट्स गुड दैट आप लोग उसको इंसिस्ट करें, सपरिवार के साथ पिक्चर देखिए, तो शायद वो दोबारा आ जाए. Fantastic. That one thing we are really happy कि वो जो सहपरिवार का ना, और क्योंकि हमने कुछ थिएटर विजिट करने का मौका मिला मुझे और सारा को, वो देख के हमें इतनी खुशी हुई ना कि genuinely हमें ऑडियंस में परिवार दिख रहे थे पूरे के पूरे. बहुत दिनों बाद एक मतलब पूरी परिवार की आउटिंग हो रही है और वो आके इंजॉय कर रहे हैं. फ्रॉम 6 to 60 सारे थे वहाँ पे. वो आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर, इट्स बियॉन्ड नंबर्स फॉर अस टू सी दैट ना, बिकॉज हम जब जो जर्म होता है फिल्म बनाने का, ऑफ कोर्स उसके कई सारे मैथमेटिक्स होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ओनली मेकिंग फॉर दैट जॉय कि यार लोग आए, वो देखें और वो खुशी लेके घर जाएं. दैट फॉर अस इज एंटरटेनिंग द ऑडियंस. तो वो जब हमें देखने को मिल रहा है ना, वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है, टू सी परिवार कमिंग एंड वॉचिंग आवर फिल्म. इन फैक्ट आई जस्ट लाइक टू ऐड दैट इट्स नॉट जस्ट, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि सब परिवार आप लोग आ रहे हैं, हमारी फिल्म को प्यार दे रहे हैं. लेकिन जब मैं आई थी संडे को, यहीं इसी थिएटर में आई थी, और मैं अपने मॉम और भाई के साथ फिल्म देख रही थी, और मैं अभी लक्ष्मण सर को बोल रही थी दैट यू नो एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सैडिस्टिक, वॉचिंग माई मदर एंड माई ब्रदर क्राई इन माई फिल्म, मतलब ऐसा लगा कि लक्ष्मण अच्छा वाला क्राई नहीं नो फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद नहीं. तो मतलब जेन्युइनली ऐसा लगा कि दिस इज व्हाई वी मेक फिल्म्स, टू सी पीपल दैट वी केयर अबाउट हैव एन इमोशनल एक्सपीरियंस. और लक्ष्मण सर की वजह से, विक्की की वजह से, मैंने अपने मॉम को और अपने भाई को एक साथ रुला दिया. और ऑनेस्टली मॉम इज अ बिट फिल्मी, मॉम हमेशा से फिल्मी रही हैं, फिल्मों में काम करती हैं एक्सेट्रा. इब्राहिम इज अ 22-year-old अर्बन यंग बॉय. अगर वो ये फिल्म देखकर रोया है ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब मैं जा के बोलती थी दिस इज नॉट जस्ट अ मिडिल क्लास इंदौर स्टोरी, दिस इज अ भारतीय इंसान की कहानी जो हर कोई रिलेट कर लेगा. और जब मैंने अपनी मॉम और भाई को दोनों को करते देखा एट द सेम टाइम, तो वो सह परिवार एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. प्राइज देना पड़ेगा, प्राइज फैंटास्टिक. हमारे पास ऑब्वियसली प्राइजेस हैं फॉर मीडिया मेंबर्स. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा. प्लीज कैन वी हैंड ओवर द प्राइजेस ऑन दैट साइड एज वेल. वी डू हैव, अपने परिवार को दे दीजिएगा. फैंटास्टिक. वी आर नाउ गोइंग टू डू समथिंग फन विथ द कास्ट. ओके, बिफोर वी ब्रेक फॉर द मीडिया Q&A, हमारे पास कुछ बलून्स हैं. हम चाहते हैं कि आप सिर्फ यही बोले हमारे सारे लोगों को कि ज़रा हटके, ज़रा बचके सिनेमाज में देखिए. लेकिन आप ये बोलेंगे लेकिन आवाज़ कुछ और आएंगी बाहर, बिकॉज वी हैव दीज बलून्स कॉल्ड द हीलियम बलून्स. वाली बलून्स है. अरे बाप, आई थिंक विक्की यू शुड सिंग फिर और क्या चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग. चलो लेट मी ट्राई. ओके, सो कैन वी गेट द बलून्स प्लीज, एंड बोथ ऑफ यू विल सिंग अ कोरस. मतलब अरिजीत के गाने को गाने की हिम्मत अगर करनी है तो ऐसे ही करनी चाहिए, है ना? एट लीस्ट देन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. मैं तो अच्छा गाती हूं. Okay, so very, बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है. So just take the gas in and then, you know, on mic पे जो भी बोलना है बोल सकते हो and let's see कि क्या create आता है. चलो बस बस, पूरा मत वसूल कर. 5, 6, 7, 8.
तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू ही रे तू ही रे तू ही रे नहीं रे तू ही रे। अभी समझ में आया अमृता मैम और इब्राहिम क्यों रो रहे थे। मैं गाना नहीं गा रही थी उस वक्त। सॉरी अरिजीत सॉरी। दीनू सर लक्ष्मण सर वुड यू लाइक टू ट्राई। ग्रेट विद दैट मीडिया द फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर Q&A। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस। मैं एनकरेज यू दिनेश जी। हेलो दिनेश जी। हेलो हाय। इमीडिएटली डाल दे दिनेश जी। हाँ जी। फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म। थैंक यू वेरी मच। एज वेल एज यू नो आप इतने सारे हटके हिट्स दे रहे हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पर हो या थिएट्रिकल रिलीजेस हो, चोर निकल के भागा, भेड़िया हो, सास बहू और फ्लेमिंगो, एंड नाउ जरा हटके जरा बचके, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? जरा हटके जरा बचके से सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि ये थिएटर में चली है। इट्स वेरी पर्सनल। सारा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के लिए कौन सी मिली है इस फिल्म को लेकर? एक कहीं पढ़ा था सारा अली खान इज बैक। आई डोंट नो व्हाई, वो सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गई थी। बहुत बहुत ज्यादा याद आ गई थी। और हाँ, मम्मी और भाई का रिएक्शन पर्सनल था, बट दिस वाज नॉट पर्सनल। आई थिंक इब्राहिम्स रिएक्शन। इब्राहिम तो द वे ही इज वॉक्ड आउट। इब्राहिम मेरे साथ ज्यादा चिपकता विपकता नहीं है। विकी ने मुझे भेजा एक्चुअली, कहीं मीडिया में हमारी वीडियो आ गई थी यार, एक फोटो आप लोगों ने ली थी इन दोनों की, कितनी प्यारी फोटो थी यार। मतलब मेरे भाई के बॉडी लैंग्वेज में गर्व शायद मैंने बहुत समय बाद देखा है, वरना मुझे बड़ा अच्छा लगा था। दूर इब्राहिम दूर से था, अरे हीरोइन वहां पे उधर जा। You are ruling over internet with your sexy moves, dance moves especially, you know, you're trending. Sorry, and comments mein aa raha hai ki which god did Katrina Kaif pray to? Aise aise comments aa rahe hain. You are the new chikni chamela. Is dance par unka koi reaction aaya? Unhone ye dance dekha hai, unka kya reaction tha? Are unhone inko choreograph kiya hai. Please bataiye. Nahi nahi, unhone dekha hai aur unko bhi acha laga. लक्ष्मण जी इधर आप सुनिए। जी सर, क्या आप एग्री करते हैं कि एक फिल्म के हिट होने में संगीत की बहुत बड़ी भूमिका? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। हिंदी सिनेमा बगैर संगीत के कुछ है ही नहीं। मतलब जिस तरह की सिनेमा हम बनाते हैं विदाउट म्यूज़िक कुछ है नहीं उसमें। मतलब हमारी दुनिया का सिनेमा अलग है और हिंदुस्तान का सिनेमा सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हमारा म्यूज़िकल सिनेमा रहता है। तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंस है सर। इस फिल्म में बड़ा महत्व दिया आपने म्यूजिक को। जी जी, अच्छी बात है, बिल्कुल। इनकी हर पिक्चर में म्यूजिक एक्चुअली अच्छा रहा। या गाइस, हाय विकी, हाय प्रियंका दिस साइड। हाय प्रियंका, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द होल टीम। विकी, यू नो यू स्पोक अबाउट द होल स्केप्टिसिज्म व्हिच वाज बिफोर द फिल्म रिलीज्ड एंड इवन लक्ष्मण स्पोक अबाउट इट, बट पर्सनली एज एन एक्टर वर यू told in the last few months that do big films, you know, your last was on OTT, Govinda Naam Mera, you know you've done Uri, the numbers that it has done, you know, abhi big films ka zamana aa gaya hai, so as actor, you know, push yourself for it so that you're positioned that way, because of course this is now a slap to all the skepticism and I think a lot of us also had that, I would definitely say, but for you as an actor, were you told that by people? I think we were going through a time where a lot of things were being told, depending on each film that came out. Kab kuch chalti thi to kehte nahi aisa hona chahiye, phir kuch dusri chalti thi phir kehte nahi aisa hona chahiye. To I think har tarike ke ye baat cheet hoti thi ki nahi yaar aisi koi cinema choose karo ya waisa kuch cinema choose karo, but eventually itne calculative mind se kabhi hota nahi hai, wo dil se hi connect hota hai. Jaise zara hatke zara bachke also was narrated to us at a time where it was not the most wisest decision ki acha ye scale ki film karo ya aisi film karo, iska saturation aaya hai, ye wo bahut sara ek bahut na wo scientific approach bhi hota hai, but when it comes to arts I think you have to listen to your heart, you have to go by the conviction of your director, the vision of your producer ki ये क्या कहानी कहना चाह रही है, और आप अपना काम फिर सच्चे दिल से कीजिए. तो ऑफ कोर्स टू आंसर योर क्वेश्चन,
all these chatters have been going and they're still going on. And they will keep changing with every film that works and that doesn't work. But I think as an actor, when you end up choosing a film, it's a very, very personal process as to how it affects you personally as an audience first. So, yeah. Guys, it's Rishil here from Pink Villa. And congratulations on the success of Zara Hatke, Zara Bachke. Thank you. Yeah, so before just beginning, before asking my question, I just wanted to appeal on behalf of the media that the event began a bit late, like I think around 2 hours late. And I would just appreciate if actors adhere to the timings they have given, because we really appreciate your work and we appreciate that you all are spreading so many smiles in everyone's... Sir, I'll take full responsibility because meri raat bhar shoot thi jo abhi ek ghante pehle khatam hui hai, to wo bina soye aaya hu, par wo shoot ki wajah se main late ho gaya aur us wajah se everybody got late and you had to wait, but so sorry, it was only because of a shoot that couldn't get finished in the morning. No, absolutely, I just wanted to say on behalf of the media. And thank now you. I'll just ask my question first. हाँ जी. So Lakshman sir, like you have given three. पहले डांट दो फिर सवाल पूछता हूँ. Lakshman sir, you have given three back-to-back hits, like first Luka Chupi and then of course Mimi, which is like my favorite out of the three, and then Zara Hatke Zara Bachke. Which one is more personal to you in terms of success? Which one do you grade higher, like out of the three? And the second question is that do you want to get out of the small city type zone and get to a different genre or something? Like pehla kya tha, tino mein se kaun si picture sabse zyada pasand? Actually har ek film close rahi hai, matlab kafi kareeb rahi hai. Jab tak dusri ki shuruaat na karo tab tak pehli close hi hoti hai, aur jaise dusri ki shuruaat ho jati hai wo close hone lagti hai. To abhi is waqt zara hatke zara bachke, yes, definitely kafi close hai, kyunki mujhe kai baar lagta hai ki wo Kapil main hi hu. क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया है उसमें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली के जो वैल्यूज़ है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफ़ी करीब है क्योंकि चल भी रही है, और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती है. नहीं, बट या इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं. और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था, तारीफ की है क्या, बोलते गाली दी है. तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांड्रा से बाहर निकल गए ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मानखुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो, यहाँ पे यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं. तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने ही जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं. क्योंकि अभी देखो क्या हो गया, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे. दैट मीन्स एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. But you're not understanding. You're just putting your own perspective and trying to spoil that film. That is not right. And you shouldn't do that. And that is the reason why we are going through all this, the Bollywood. Because when South ki koi film aati hai, chote budget ki film, jis hero ko hum jante bhi nahi, wahan pe wo superstar hota hai, hamare liye newcomer hota hai. Wah, 5-star, 4-star, achhi film mein hoti hai. Bhai, humko bhi zarurat hai. We have to get our industry right. So I think we should, मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले. क्यों नहीं चले, मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोज और वो चार चार लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है. भाई क्यों, इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है. दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, वो गैप कम करो. मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए. थैंक यू. हाँ जी. हाय विकी. हाय विकी, योर स्ट्रेट सेंटर. ओह हाय मैम. हाय, दिस इज तिताश फ्रॉम न्यूज़ 18. हाय तिताश. हाय.
Hi. So Vicky, it's very interesting. So in Love Per Square Foot, we saw you faking a marriage actually to get a house. And yeah. Here you're faking a divorce to have a house of your own. In real life, kabhi paapad belna pada to have a house of your own? Anything interesting? Mujhe jab tak ghar milega nahi, main picture mein dhoondta rahunga. But real life mein, the God has been really kind. But yeah. I don't know if I've answered your question or what the question was. Hello, hello. Hi, Vicky. Hello. And Sarah here. Hello, hello. Ravi from ABP News. Hello. It's for Sarah. Haji. Here. I want to ask you that. Safalta aapke liye kya maine rakhti hai? Phir se janta ko khush karne ka mauka. Mere liye safalta wo hoti hai. Aur just, I think that's about it. I think. The idea is to take your work seriously and not yourself very seriously. That's the attempt. Vicky? Bana rahe sir, iske baad. Iske baad. Hi, Vicky. Hi. I'm Tanmay from Peeping Moon. Hi, we've been seeing you dancing to the song Obsessed. So, baki aapke fans aur audience ke samne aap kar rahe hain, to humne kya galti ki hai? Please, hamare liye bhi try kar sakte hain. Ma'am, main ek baat bataun. मैंने अगर एक और बार उस गाने पे कर दिया ना, मैं इंटरनेट पे बैन हो जाऊंगा। पर हमारे लिए एक बार तो चलता है। वो मैं लाइव, वो हम बाद में कर ले, बाहर कर लेंगे। उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, पहले आप ट्रेंड करते हो, फिर आप बहुत ट्रेंड करते हो, फिर बहुत ट्रेंड करते हो, और फिर गाली पड़ती है कि तू इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये पका रहा है, अब नीचे आ जा। तो ना अब मैं वहां से हूँ कि अब ये नीचे खींचा जाऊंगा, तो अभी मैं सच में बैन हो जाऊंगा, मेरा अलग से बॉयकॉट चलेगा उसके, बॉयकॉट ऑब्सेस। तो ना तो I promise you outside, मैं पॉपकॉर्न दूंगा आपको, मैं आपके लिए स्पेशली डांस करूंगा, है ना, पर यहाँ पे नहीं करते। Hi Vicky and Sara. Just to inform, last two questions. Hi Vicky and Sara. Hi sir. हम जब भी कुछ काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और काम, हमेशा हम चाहते हैं कि अप्रिशिएशन मिले, वैलिडेशन मिले। मैं जानना चाहूंगा बतौर एक्टर, जैसे सारा आपने बताया कि फिल्म देखते वक्त मम्मी और भाई रो रहे थे, घर पे घर के अलावा भी कहीं आप लोग वो वैलिडेशन सीख करते हैं, कहीं वो अप्रिशिएशन सीख करते हैं किसी से, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो जिससे आप लोग चाहते हैं कि वो ऑनेस्टली रिव्यू करे आप लोग जो कर रहे हैं, या तारीफ करे, या अप्रिशिएशन मिले, ऐसा कौन सा शख्स है? और इस फिल्म को लेकर या किसी और फिल्म को लेकर कभी वो वैलिडेशन और अप्रिशिएशन मिला हो जिसे शेयर करना चाहेंगे आप लोग? सर, मेरे लिए हर फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है, और ये मैंने ज़रा हटके ज़रा बचके से जाना है, बिकॉज इससे पहले ना मुझे कभी थर्सडे रात को नर्वसनेस नहीं हुई थी इससे पहले, मुझे इस बार थी, और नर्वसनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कल क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, अगर आएंगे तो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, तो बहुत सारे सवाल थे, एंड आई रियली कुडंट स्लीप दैट थर्सडे नाइट, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। सो आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द फेज वी आर इन, जहाँ पे थिएट्रिकल का थोड़ा सा एक ये है कि लोग थिएटर में क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते हैं वाला जो सवाल चल रहा है, जिसका जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चक्कर में इस बार वैलिडेशन की बहुत भूख थी, वो लोगों से थी कि लोग आए देखें। अगर जब कुछ मिलिट्री फिल्म होती है जैसे उरी थी, तो मेरा सबसे ज़्यादा भूख वैलिडेशन ये थी कि आर्मी वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज जब उनसे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ यार यू डिड अ गुड जॉब, तो मुझे बहुत वो एक तसल्ली मिली थी। तो आई थिंक विद एवरी फिल्म देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग, ऑब्वियसली जो सच्चाई से आपको आपकी फैमिली बोल देती है कि इसमें ठीक था या इसमें नहीं था, वो तो एक अलग है ही, कि जब फैमिली बोल देती है कि हाँ यार इसमें ठीक था, आपको पता है कि सच में कहीं ना कहीं ये करेक्ट नोट हिट हो ही गया है, तो वो वैलिडेशन तो परमानेंट ही है जो आपको हमेशा चाहिए होती है, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट एंड योर हार्शेस्ट क्रिटिक। बट अदरवाइज फॉर मी पर्सनली इट डिफर्स इन एवरी फिल्म according to the situation. Vicky, Sara, there was the media, just sorry to cut you off, but one last question, we are taking one last question. Sara, my question is to you all. Dinesh ji, mera sawal aapse ye hai, aapke production house ko lekar hai, ki aapke production house ne hamesha bahut ordinary subjects ko extraordinary banaya hai. Main sirf is film ki aur ya abhi ki baat nahi kar rahi hu, mujhe acche se yaad hai ki jab aap horror comedy leke aaye the Stree, उस समय कोई दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, तो बहुत सारे लोग वहाँ चले गए थे, और उन लोगों ने बोला ये फिल्म तो ऐसे ही जाएगी, आज के ज़माने में कौन हॉरर मूवीज देखता है, लेकिन वो
एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के निकली. आप डायरेक्टर भी रहे हैं, तो आपकी टीम में ऐसा क्या है कि और इस फिल्म के लिए भी आप, जब हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि फिल्म इतना अच्छा करेगी, तब आप इसके ट्रेलर लॉन्च में पूरे कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म वर्क करेगी, तो ऐसी क्या चीज़ है या जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या चीज़ आप ऐसी देखते हैं जिस जो उसको हिट करा दे? हमारी नियत, हमारी नियत सिर्फ पिक्चर बनाना है, और हमें बहुत मज़ा आता है पिक्चर बनाने. And I think ordinary is, I have lived an ordinary life. So ordinary is extraordinary today. We all extraordinary. And I think जो हमारी पिक्चरें वो आपको वो फील कराती हैं. जैसे मैम आपको याद है आपने मुझे बोला था मिडिल क्लास के बारे में, आपने देखी, करेक्ट थी ना? हाँ जी, हाँ करेक्ट थी. आज मुझे इतना अच्छा लगा आपने अपना माइक मुझे दे दिया करते माइक 1/2 बट मैम मैं इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन द ओनली इमोशन हम देखते हैं कि रात को सपोज आपने एक पिक्चर सुनी, यू हैव टू बी एबल टू नॉट मेक दैट. ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आपको बनानी बनानी है. हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि ये लॉजिकल है आज विक्की और ये सेट हो रहा है, वैसे नहीं बनाते. हम कहानी पिक करते हैं, एंड ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट द नियत. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. थैंक यू दीनी सर. सारा मैम, माय क्वेश्चन इज टू यू. आई एम सॉरी कि सॉरी देयर इज सारा मैम स्टिल हैज टू से. मौका नहीं मिला. आई थिंक सो फॉर मी ऑनेस्टली मेरे लिए हमेशा जनता की राय, जनता का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा है. तो आई थिंक अगर वैलिडेशन की बात हो तो विकी ने बहुत सही तरह से कहा कि ये जो थर्सडे था मेरे लिए, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चारों रात नींद आनी बहुत मुश्किल हो गई थी. एक तो दीनू सर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था भारत दर्शन का, और उसके बाद जो घंटे मिलते थे मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी. बट आई थिंक दैट अल्टीमेटली हम सब फिल्में जनता के लिए बनाते हैं, और उनका प्यार ही सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है. संडे रात को जब विकी और मैं उस थिएटर के अंदर गए और हाउसफुल थिएटर देखा हम लोगों ने, परिवारों को साथ देखा, खुश देखा, हमें देखते हुए खुश देखा, आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस. विकी सारा, थैंक यू मेंबर्स ऑफ द मीडिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चंस के लिए. थैंक यू सो मच. ओके दीनू सर, yeah, okay, one last question. Working, hello. Yeah, one last question. I personally enjoy the chemistry you guys shared on screen, so kudos for that. I want to ask that off screen, when was the point you all got comfortable, because there was a lot of romance you all played on screen? See, the most beautiful part about Sara is that there is no ice. Wo ice break karne ke liye ice chahiye hota hai na, yahan ice nahi hota, to aapko kuch break hi nahi karna hota. ये आपका जो पहला नोट है ना सारा का, जब वो मिलती है वो ऐसा लगता है कि 7 साल से आप दोस्त हो. तो वो पहले मिनट ही ऐसे मिलती है आपसे. सो दैट इज, हाँ, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट सारा इज दैट कि शी इज जस्ट सो रियल एंड जस्ट सो प्योर दैट वो आपकी या तो दोस्ती होगी या तो फिर बिल्कुल नहीं होगी. तो आई एम ग्लैड कि यहाँ दोस्ती हो गई और पिक्चर बन गई, और वो कप्पू और सौम्या की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है. But uska actually full credit Sara ko jata hai, because she is that person. She is that easy a person. Yeah. Sara, for you? Honestly, I don't think he's wrong. there is an agency, right, in choosing kin ke saath dosti honi chahiye, kin ke saath bilkul nahi honi chahiye. So I think Vicky ko dekhte hi pata chal gaya tha that he's the person that I want to befriend. I think that he... Honestly, being friends off screen is one thing, and he's being generous in his compliment. But ultimately, I think as an actor that is as experienced and as talented as he is, he would never come to set with that air. So it immediately made me comfortable to do whatever I can, and then he and Lakshman sir would together manage to get me to where I needed to be. But ultimately, it was the fact that he was so giving and non-judgmental as a person that it enabled total ease from my side. Looking forward for another film with both of you. Fantastic. Thank you. Shakkar. Thank you. Okay, Dinu sir, Lakshman sir, Sara and Vicky, it's time for a celebration. So we have a special cake that's joining us.
ऑल्सो अगर आप केक देखेंगे तो यहाँ पर जो हम नॉर्मली मिडिल क्लास में प्रॉब्लम होती है कि वेज है कि नॉन वेज है, ये यहाँ पर नहीं हो रही है. अच्छा, आप लोग अंडे वाला खाओगे कि बिना अंडे वाला? दोनों.